गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि अपना पाश्चात्य विचार चल रहा था, कार्ल मार्क्स ने हमने यानी तीन चार क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन था यानी वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स के कथन की विवेचना कीजिए, या समाजवादी वैज्ञानिक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, या प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, इस कथन का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। फिर हमने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत शुरू किए थे, उसमें हमने पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कर लिया था, और दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद का सिद्धांत ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, और हमारा तीसरा सिद्धांत चल रहा था कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष की धारणा। इसका क्वेश्चन यूं बनता है, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो हमने यानी पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ग संघर्ष के बारे में बता दिया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि ये जो वर्ग संघर्ष की धारणा है नाम के अनुकूल ही है। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या है, संपूर्ण समाज को दो भागों में बांट दिया, और उसने कहा कि समाज में दो ही वर्ग है, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक, और या हम इनको कह सकते हैं पूंजीपति को क्या है, अमीर वर्ग, और ये क्या हो गया, गरीब वर्ग। इसके साथ ही इसको हम शोषक वर्ग और इसको हम शोषित वर्ग, और जो वर्ग संघर्ष की कार्ल मार्क्स की धारणा है उसमें क्या है, उसने क्या है, पूंजीपति जो कि क्या है, शोषित के रूप में कार्य करता है, इसके श्रमिक वर्ग के तो उसके अंत की अवसंभावना व्यक्त की है। यानी इसमें हम बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने कहा दो वर्ग है, और दो वर्गों में संघर्ष का क्या कारण है, और संघर्ष के पश्चात यानी पूंजीपति वर्ग का अंत होगा या श्रमिक वर्ग का अंत होगा, यानी किसकी विजय होगी और विजय का क्या कारण है, इन सबका हम अध्ययन करेंगे। तो वहां आते हैं वर्ग संघर्ष की धारणा। यानी कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण समाज को दो भागों में बांट दिया, पूंजीपति और क्या है दूसरा श्रमिक, यानी अमीर और गरीब दो भागों में बांट दिया। और पूंजीपति थे वो क्या थे, उनको हम सावंत भी कह सकते हैं, और जमींदार लोग जिनके पास क्या है अत्यधिक मात्रा में जमीन और क्या है उत्पादन के साधनों पर यानी पूंजीपतियों का ही नियंत्रण था, और अधिक औद्योगिक जितनी भी कंपनियां थी उद्योग थे वो क्या थे, पूंजीपतियों के ही अधीन थे। और दूसरा क्या है, श्रमिक लोग जो पूंजीपतियों के अधीन कार्य करते थे, और क्या है इसमें वर्ग संघर्ष की धारणा में हम पढ़ेंगे कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, तो उनको हम शोषित वर्ग की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने, और जो श्रमिक वर्ग को क्या है शोषित, यानी क्या है प्राचीन काल से ही यानी क्या है वर्ग संघर्ष, यानी समस्त इतिहास को उसने वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है, और उसने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में भी कहा है कि अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है उसमें क्या है यानी संघर्ष का ही इतिहास है, और इसमें दो वर्ग रहे हैं, दोनों वर्ग हमेशा अपने अपने हितों के लिए संघर्षशील रहते हैं। और इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो वर्ग संघर्ष है यानी पूंजीपति क्या है धीरे धीरे यानी अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं, और पूंजीपति क्या है अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, और क्या है श्रमिक क्या है अधिक से अधिक अपना पारिश्रमिक लेना चाहते हैं। इस प्रकार क्या है दोनों में अपने हितों से संबंधित उनमें क्या है संघर्ष शुरू हो जाता है। कैसे, पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना और श्रमिक अधिक से अधिक अपना पारिश्रमिक लेना, इस प्रकार दोनों के हितों में संघर्ष शुरू हो जाता है, ये संघर्ष का कारण रहा। और इसके पश्चात यानी धीरे धीरे क्या होता है कि यानी जो पूंजीपति क्या है संख्या में कम है, और क्या है श्रमिक वर्ग धीरे धीरे क्या है पूंजीपति अपना यानी विकसित होते होते धीरे धीरे क्या है पूरे विश्व में या बाहर भी अपने उद्योग स्थापित कर लेते हैं। तो क्या है श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका हस्तांतरण होने के कारण विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें क्या है कार्ल मार्क्स ने भी सहयोग दिया, उन्होंने क्या है श्रमिकों का सहयोग दिया, और उनका नारा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। इसके साथ ही
यानी उन्होंने श्रमिक वर्ग में क्या है विभावना उत्पन्न की कि वो अपने हितों के लिए संघर्ष करे, उसके लिए जागरूक हो, और पूंजीपति क्या है विदेशों में अपने उद्योग स्थापित करने लगे। धीरे धीरे क्या है इससे श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी और उनके हितों के प्रति संघर्ष आरंभ होने लगा। जैसे कि वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर काल मार्क्स क्या है पूंजीवाद के अंत की और संभावना व्यक्त करता है। यानी क्या है काल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की पूर्ण धारणा है उसमें वो यही बताता है छोटे रूप में दो वर्गों में संघर्ष और संघर्ष के पश्चात पूंजीपति जो संख्या में कम है उसके अंत की संभावना व्यक्त करता है। यानी क्या है जो कि शोषण का कारण है और श्रमिक वर्ग जो संख्या में अधिक है उनकी विजय की संभावना व्यक्त करता है। इसके साथ ही उसके अनुसार पूंजीवादी अवस्था में स्वयं ही अपने विनाश के बीज निहित है। कैसे उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें खुद ही अपने विनाश के बीज निहित है। कैसे क्योंकि पूंजीवादी क्या है अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और क्या है श्रमिकों का शोषण का कारण बनते हैं और इसके कारण यानी हम कह सकते हैं कि पूंजीपति श्रमिक उत्पादन में विश्वास करते हैं जिसका परिणाम क्या होता है यानी थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में धन केंद्रित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। यानी क्या है पूंजीपति लोगों की संख्या धीरे धीरे यानी कम हो जाती है और श्रमिक है जो गरीब लोग है उनकी संख्या बढ़ती जाती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगी की स्थापना में विश्वास करते हैं। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और अपने लाभ कमाने के लिए वो क्या है एक ही स्थान पर या अनेक स्थानों पर क्या है अनेक उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो इससे क्या है श्रमिकों का स्थानीयकरण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और ये भी क्या है श्रमिक वर्ग की अधिनायकत्व में सहायता करते हैं। अधिनायकत्व यानी श्रमिक वर्ग की विजय भी आप कह सकते हो। इसके साथ ही यानी उद्योगों के उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोली जाती है। यानी क्या है जब पूंजीपति एक ही स्थान पर अत्यधिक उद्योग लगाएंगे तो क्या है उनके जो उत्पादित माल है उनके लिए क्या है विदेशों में मंडियां खोली जाती है और इससे क्या है विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपने पूंजी लगाते हैं और इस प्रकार पूंजीवादी विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। ये एक इसका कारण है कि पूंजीपति यानी अपनी खपत को यानी जो अपनी है उसको बाहर लगाने के लिए तो विदेशों में अपनी कंपनियां स्थापित कर देता है। इस प्रकार पूंजीपति के उद्योग क्या हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय और विश्वव्यापी। इस प्रकार यानी क्या है उद्योगों का स्थानीयकरण चलता रहता है और पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होते जाते हैं और श्रमिकों का और अधिक शोषण शुरू हो जाता है। पूंजीवाद की सुसंगठित यानी क्या है धीरे धीरे यानी इन स्थानों पर श्रमिक लोग एक दूसरे से यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और श्रमिक वर्ग जो संख्या में अधिक है पूंजीपति जो कम है उनके विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर देते हैं और इसके क्या है इस प्रकार पूंजीपति क्या है स्वयं ही अपने विनाश के बीज यानी का कारण बन जाता है। इस प्रकार पूंजीपतियों से पूंजी उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर लेते हैं। यानी क्या है यानी जब पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक आंदोलन कर देंगे जो कि अत्यधिक मात्रा में है तो धीरे धीरे क्या है यानी पूंजीवाद का अंत और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व यानी क्या है साम्यवाद श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व यानी साम्यवाद। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व यानी श्रमिक वर्ग की विजय की संभावना व्यक्त की है यानी साम्यवाद आ जाएगा यानी श्रमिक वर्ग की विजय यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श आदर्श प्रस्तुत किया था। इस प्रकार इन तीनों चीजों का एक ही अर्थ है। इस प्रकार यानी क्या है सर्वसाधारण का
साधन प्रदान करती है और उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। यानी क्या है, पूंजीवाद जो व्यवस्था है वो ही पूंजीवाद के अंत का कारण बन जाती है। अब हम करेंगे वर्ग संघर्ष की धारणा की आलोचना। यानी वर्ग संघर्ष की जो धारणा है उसकी यानी काल मार्क्स की जो उसमें हमें क्या आलोचना के बिंदु रहे हैं, सबसे पहले ये है सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। पहला सामाजिक जीवन के यानी मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। यानी हमने वर्ग संघर्ष की पहले धारणा पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि काल मार्क्स ने कहा है कि दो वर्ग होंगे, दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष रहेगा और काल मार्क्स और उनके जो साथी थे एंजेलिस ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब तक का जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। यानी संघर्ष की अपेक्षा सहयोग प्रेम और सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल है। यानी हम कह सकते हैं कि संघर्ष की बजाय क्या है, सहयोग प्रेम सहानुभूति ये जो चीजें हैं वो संघर्ष की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुई है, अधिक सहायक सिद्ध हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि काल मार्क्स की संघर्ष की धारणा की क्या है, सही नहीं है, वो आलोचना के पात्र है। और संघर्ष की अपेक्षा हमने क्या कहा, सहयोग और प्रेम और सहानुभूति द्वारा हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और मानव समाज क्या है इसी पर टिका हुआ है। और आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक क्या है, पारस्परिक सहयोग के आधार पर, यानी उन्होंने अर्थ को महत्व दिया है। उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक परिस्थितियां होती है वो ही सामाजिक जीवन में यानी वो परिवर्तित करती है, ये उनका कहना था। ये काल मार्क्स का सिद्धांत था, वो सारा अर्थ पर ही आधारित है क्योंकि उसने दो भागों में जो विभाजन किया था पूंजीपति और श्रमिक, अमीर और गरीब, ये क्या है अर्थ पर ही आधारित था। तो क्या है, यानी जरूरी नहीं कि पूंजीपति और श्रमिक यानी क्या है मालिक और श्रमिक में क्या है संघर्ष ही हो, सहयोग द्वारा भी काम चलाया जा सकता है। पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव है। मार्क्स ने सहयोग के तत्व की उपेक्षा करते हुए यानी मार्क्स की हम इस आधार पर आलोचना करेंगे कि मार्क्स ने सहयोग के तत्व की अपेक्षा करके संघर्ष को प्राथमिकता दी है और एक वर्ग की यानी अंत की बात कही है, जबकि क्या है सहयोग से अधिक यानी लंबे समय तक यानी उत्पादन की वस्तुएं उत्पादित की जा सकती है और सहयोग की भावना अधिक प्रबल होती है बजाय की संघर्ष के। दूसरा पॉइंट है समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं, दूसरा हमारी आलोचना है कि समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं, समाज में केवल दो वर्ग
मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कह रहे उसने दोहरे को ही प्राथमिकता दी, जो तीसरा मध्यम वर्ग है उसको उसने ध्यान ही नहीं दिया। यह उसकी आलोचना का प्रमुख केंद्र बिंदु है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और टेक्नीशियन ये क्या है, ये मध्यम वर्ग में आते हैं और इनके द्वारा समाज के विकास में सदैव ही क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की जाती है। यानी आप इंजीनियर, टेक्नीशियन जितने भी है ये समाज के विकास में
सही है, यानी क्या है, वर्ग संघर्ष का मूल कारण नहीं रहा बल्कि मानव की जो भावनाएं है, दुर्भावनाएं है, दुर्व्यवहार, ये भी संघर्ष के कारण रहे हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट करेंगे, मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं, यानी मार्क्स ने क्या है, वर्ग संघर्ष के पश्चात पूंजीपति के अंत की संभावना व्यक्त की है और श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की बात कही है जो कि सत्य प्रतीत नहीं होता। कैसे कि कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर पूंजीपति का अंत और क्या है, समाजवाद की स्थापना का यानी आदर्श प्रस्तुत किया गया था। समाजवाद यानी श्रमिक वर्ग की विजय, यानी क्या है, न कोई राज्य होगा और ना ही कोई वर्ग होगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, यह ठीक नहीं है। और मार्क्स पूंजीवाद के निर्देशों के आधार पर उनके अंत की भविष्यवाणी करता है, यानी क्या है, मार्क्स ने जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिकों का शोषण करते हैं उन दोषों को देखकर अपनी भविष्यवाणी की है, किंतु वह यह भूल जाता है कि पूंजीपति में सुधार की गुंजाइश है, यानी उसने संघर्ष को ही महत्व दिया, यानी उसने सुधार के लिए यानी उसने मन में कोई विचार नहीं किया, यानी क्या है, संघर्ष ही जरूरी नहीं है दोनों में, यानी पूंजीपति और श्रमिक में क्या है, सहयोग और क्या है, पूंजीपतियों जो श्रमिकों के शोषण का कारण बनते हैं उनके क्या है, सहयोग और समझाई से भी क्या है, काम चल सकता है। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों में श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार कर, यानी क्या है, बड़े बड़े जो विकसित देश है तो उनमें भी क्या है, श्रमिकों के यानी संतुष्ट करने के लिए उनके काम करने के घंटे वेतन इत्यादि करके उन्हें संतुष्ट करके क्या है, यानी पूंजीपति सहयोग की प्रवृत्ति अपना सकते हैं और अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं और श्रमिक वर्ग भी अपना यानी इस साधन कर सकते हैं, असंतोष को कम कर दिया है और वर्ग संघर्ष की संख्या में निरंतर वृद्धि और पूंजीपति की संख्या और शक्ति में निरंतर कमी हो जाएगी और पूंजीपति और श्रमिकों में संघर्ष क्या है, अपने आप ही यानी श्रमिक वर्ग की विजय होगी आदि ऐसी कल्पना की थी, यानी क्या है, कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि दो वर्गों में संघर्ष के पश्चात पूंजीपति जो कम है उनका अंत हो जाएगा और श्रमिक वर्ग जो अधिक है उनका क्या है, विजय स्थापित हो जाएगी, ऐसी उसने कल्पना ही की थी। इसके साथ ही तर्क और अंकों के आधार पर जिनके सत्य होने का दावा नहीं किया जा सकता, यानी कार्ल मार्क्स ने कोई आलोचना में हम दर्शाएंगे कि कल्पना मात्र थी, दार्शनिकता मात्र थी, उनके सत्य होने का दावा नहीं किया जा सकता कि पूंजीपति का अंत भी हो जाएगा और समाजवाद आ जाएगा। कुछ सीमा तक तो ये बातें असत्य भी हो चुकी है, यानी क्या है, पूंजीपति और श्रमिक में सहयोग, सहानुभूति और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर भी काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की धारणा का यानी निष्कर्ष रूप में प्रतिपादन करते हुए केरियू हर्ट